का हिने आवा तो जा तो मैया उ घर कर दीदी होतै होले काम कर सिराय होतै होले बुलाय दे भन जा। और देखिए वो घर कर दीदी के बुलाए के आवो। हाँ अच्छा ठीक। कोई घर है का कहा थी मैया? ए दीदी ओ देख वो घर वाला तो के काम करे ले बुलाए हो। अगर तोर काम सिरा है तो चल। हाँ हमार काम तो सिरा जाए हो से जाती हो। ठीक तब जामिन हम जाती हो घर। ठीक का काम हो दीदी? मैया के बुलाए भेज रही हूँ। आओ नहीं बैठ तोर से एगो काम करवाए थे। का कहा तरह तोर काम सिरा गेल? सिरा लन ई हमार फरस बिनियान घास वाल रहे से के निकाय कहत रही हूँ। अच्छा निकाय देवन। ए दीदी तोर पौधा छोटका छोटका दिखत हन आर पौधा में कीड़ा लागल हन से दवाई नहीं लगा है? दवाई मन तो छिटकाई चुकी लेकिन नहीं हटे लाइक है कीड़ा मन से तोर घर लेसन दवाई है तो नहीं ले बतावा। ए दीदी से बगल गांव में एक दीदी रहते ना से इकर बारे में अच्छा दवाई बनाए जानते हैं ना। चल ने तब वह दीदी के जाए के पूछिए ले। चल जोहार दीदी। का करत रहीं दीदी? ई तो पढ़े लगी है दीदी। एक बार तोर से मिल रही हो बताए रही कीड़ा मुरे वाला दवाई। हाँ हाँ एक बार तो तोर से मिल रही हो। हम तो कीड़ा मुरे वाला दवाई तो हम जानी वाला बनाए ले अगर खेत में कीड़ा हो जाए। हाँ ई दीदी कर खेत में कीड़ा लग जाए। हाँ दीदी हमरे खेत में कीड़ा लग जाए। हाँ हमारे से दवाई बना चाहे ला। हाँ तुम इनके कुछ सामान किने है तुम? का सामान किने खेता दीदी? हाँ तुम के तो कुछ सामान घरे मिलते ना कुछ दिन के लिए पड़ते 50 ग्राम लहसुन 50 ग्राम गुड़ 50 ग्राम हल्दी। बस इतना सामान में हो जाता दीदी? हाँ अभी नहीं बता रहे दीदी कि घरे सामान में हो जाता तो 2 लीटर गोमूत्र लगता 1 किलो गोबर 1 किलो नीम पत्ता 1 किलो गंधक पत्ता 1 किलो दूध पत्ता। अच्छा ठीक। और एगो माटी के घड़ा लगता रही सब सामान जोगाड़ हो जाता? आई दीदी सब सामान जोगाड़ कर पाए जब हिन। हाँ तो दीदी कर घर देखी हिन? हाँ दीदी देखी है। हाँ दीदी कल बिहान के आवे और सारा सामान जोगाड़ करके रखबो और बता देबे। ठीक दीदी कल आबो और बना के बता देबो। जोहार जोहार। पचास पचास ग्राम गुड़ हल्दी और लहसुन देवा तो का कल 50 ग्राम गुड़ 50 ग्राम हल्दी और 50 ग्राम लहसुन। हाँ जोहार दीदी आओ बैठ। अच्छा तो के कह रही हो सामान जोगाड़ कर ली?
देखी ने दीदी सारा सामान जोगाड़ कर रही से हाउ कि नहीं से देखी गोबर हाँ दूध पत्ता हाँ रसून हाँ और हल्दी हाँ गंधक पत्ता हाँ और गुड़ हाँ नीम पत्ता हाँ 1 लीटर पानी हाँ 2 लीटर गोमूत्र और लास्ट में मिट्टी के घड़ा हाँ और सब सामान हाँ। ये सब तो सामान है अब चल के बनाबे। ठीक दीदी तो बनाओ। तब ठीक सबसे पहले तो एगो मिट्टी के घड़ा रखे है। अब का कर भी दीदी अब तो एगो मिट्टी के घड़ा है एक ही अब 1 किलो गोबर डालबे। अब का कर भी दीदी आप करबे गंधक पत्ता और नीम पत्ता और दूध पत्ता के कुटबे। अच्छा ठीक पहले नीम पत्ता के कुटा थी है। आप तो ही कुटा गए आप दूध पत्ता के कुटबा तो दूध पत्ते लागे कोई भी पत्ते में दूध निकलल उ पत्ते में काम आवेला। दूध पत्ते तो आप कूट लिए अब गंधक पत्ते कूटब। ठीक अब तो हो कूटा गया अब रसून के कूटब। अब तो हो कुटा गेल अब कुटा के काम खत्म हो गेल। अब का करबिन दीदी आई गोमूत है 2 लीटर अब के डालबे। और अब का करबी दीदी अभी दूध पत्ता के और नीम पत्ता के और गंधक पत्ता के अब डालबे। और एक अच्छा तरह से मिलाए देवे। अब का करबिन दीदी अब तो एक अच्छा तरह से मिला ले लिए अब 50 ग्राम गुड़ डालबे। अब 50 ग्राम रसून डाला थे। ठीक अब 50 ग्राम हल्दी डाला थे। अब एक अच्छा से मिला दो थे। अब का कर दूंगी अब 1 लीटर पानी के डाल दो थे और फिर मिला दो। अब का कर दीदी के आई प्लास्टिक के झिल्ली के मिट्टी के घड़ा के मुंह के बांध दवती है। एकर मुंह के काल बांध हथिन दीदी एकर मुंह के बांधे लगे कि यहाँ गैस नहीं निकलते और जल्दी तैयार होते इसे बांध हथिए। अच्छा ठीक तो एकर मुंह तो अब बांधा गेलो दीदी अभी के का करबी। अब एक 8 से 10 दिन के लिए छाए में गाड़ देवे चलाए के अब गाड़ देवे चला, चला तब तो। Thank you.
गाड़ा के गाड़ा थी। अब तो दीदी सब ही हो गलो। अच्छा दीदी इतने खुना काले ढाई फीस तो पूरा काले नहीं ढापे लाई एक हेल नहीं ढाई फीस एक एक दो या तीन दिन अंतर में एक एक खोल के डंटा से चलाए हुए वाला सेल नहीं के पूरा ढकी गई ला। आज कर काम तो खत्म हो गया और 10 से 12 दिन के बाद फिर आबो और आगे फिर का होता उसके बताबो। अच्छा ठीक तब ठीक तो एक एक दो या तीन दिन में चलाते रहे। अच्छा ठीक तब तब ठीक तब जोहार जोहार। कहाँ तब एखन ले दीदी आवत हत एखन। जोहार दीदी। जोहार। हमरे आसो देखत रहा। हाँ तोरे आसराजन देखत रहिया। हाँ दीदी तो के कर रही दो तीन दिन में चलाए कर रही चलाए ही। हाँ दीदी चलाए रही है। ठीक दीदी अब तब एक निकला थी। ठीक तो निकला। चला हाँ दीदी अब एक खोलिए लाम। अच्छा खोल। हाँ दीदी अब एक चला दिया ले डंटा सा। अब का कर भी दीदी अब एक छानबा। अब ले दीदी धर अब एक छानबा। अब ठीक हो धर दे अब के छान। आप तो दीदी छनाए गलो। आओ का कर भी तो इके एक 40 लीटर पानी में मिलाए के छिड़काव करबे। अच्छा ठीक तो अबे के 40 लीटर पानी के अबे के मिलाए दो थी। ठीक तो मिलाए दे। ठीक दीदी एक छिड़काव बन जे पौधा में रोग है वो पत्ता जो छेद करायला पत्ता सिकुड़ जायला वो बीमारी के बचाव करायला। अच्छा ठीक तो। अच्छा दीदी तो ठीक हो। हाँ बहुत अच्छा हो। अच्छा दीदी हम तो के सवाल पूछे। हाँ पूछ। इके छिटकाले का फायदा है। इके छिटकाले से जब पौधा में छिटकाई ला से कर में कली निकले ला अच्छा रहे ला पौधा स्वस्थ रहे ला। अच्छा से लेके छिटकाई ला। चल दीदी तो अभी तैयार हो गया अब एक छिटकाव करवे। अच्छा ठीक तो। हाँ दीदी अब एक स्प्रे मशीन में डाला थी। ठीक तो डाल। चल तो अब छिटकाव करके बता देबो। चल तो thank you.
अच्छा जानकारी दे ले दीदी, कर ले बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा दीदी, तो के हम भी धन्यवाद करी ले। जोहार जोहार, जोहार। समझौता ना करने वाले बिंदु। मैजिक कंपोस्ट बनाने के लिए 1 किलो गोबर, 2 लीटर गौमूत्र, 1 लीटर पानी, 1 घड़ा, 50 ग्राम लहसुन, 50 ग्राम गुड़, 50 ग्राम हल्दी, 1 किलो गंधक पत्ता, 1 किलो दूध पत्ता और 1 किलो नीम पत्ता की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले 1 घड़ा ले और उसमें 1 किलो गोबर और 2 लीटर गौमूत्र डालें एवं सभी पत्ते को भी कूट कर डालें और अच्छी तरह मिलाएं। फिर गुड़, हल्दी, लहसुन और 1 लीटर पानी डालकर मिलाएं और उसके मुंह को प्लास्टिक से बांधकर 8 से 10 दिन तक के लिए छाया में गड्ढा करके गाड़ दें। 2-3 दिन में उसका मुंह खोलकर चलाते रहें। दवा तैयार होने के बाद छानकर 40 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सब देखे वाले इनके भाई बनकर हमारे तरफ से जोहार। मैजिक टॉनिक हम इनके पौधा के लिए बहुत अच्छा है और से मैजिक टॉनिक के छिटकावा और अपन पौधा के बचावा। ई दवा डाले से हम इनकर पौधा कली अच्छा निकलेला और बढ़े ले सहायता करेला। मैजिक कंपोस्ट दवा से होने वाले फायदे। मैजिक कंपोस्ट के छिड़काव से पौधों के पत्तों में छेद नहीं होता और पत्ते नहीं सिकुड़ते हैं। पौधों में कली अच्छा निकलता है और स्वस्थ रहता है। यह दवा पौधों को बढ़ने में भी सहायता करता है। से ले मैजिक टोनी बनावा और अपन पौधा में छिटकावा। फिर से हमार बटे से जोहार।